इकडे सुरू केलं जाईल. आज कॅबिनेट सब कमिटी की बैठक हुई, जो बेमौसम बरसात महाराष्ट्र में हुई और जिससे महाराष्ट्र के करीब 325 तहसीलों में, तालुकों में बहुत बड़े पैमाने पर किसानों का जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा किसानों को देने की दृष्टि से आज हमारी मंत्रिमंडल की जो सब कमेटी है उस सब कमेटी ने यह निर्णय लिया कि हम तुरंत इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करेंगे और उसके निर्देश प्रशासन को दिए गए, वो निर्णय सब कमेटी ने फाइनल किया. और इसके साथ साथ अभी जो स्पॉट पंचनामा हो रहा है उसको एक्सपीडाइट करने की कोशिश की जा रही है. जहां पर पंचनामा नहीं भी हो पा रहा है वहां पर केवल मोबाइल का फोटो अगर किसान निकाले तो उसको भी पंचनामा समझा जाएगा और उसके माध्यम से आने वाले 2 या 3 दिनों में, 4 दिनों में सारी जानकारी हमारे पास पहुंच जाएगी. उस जानकारी के आधार पर ये जो 10,000 करोड़ रुपया, ये किस प्रकार से मदद किसको कितनी करनी है, इसका जो अंतिम निर्णय है वो निर्णय फिर एक बार सब कमेटी की मीटिंग बुलाकर ये निर्णय किया जाएगा. और उस संदर्भ में मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी तेजी से ये सारा काम अभी चल रहा है. और इसके साथ साथ करीब 50 लाख किसानों ने इंश्योरेंस भी निकाला है, इंश्योरेंस का भी मुआवजा उनको अलग से देने का निर्णय ये हमने किया है. इंश्योरेंस कंपनी से हमारी बातचीत भी हुई है और उस बातचीत के आधार पर इंश्योरेंस कंपनियां भी इसके संदर्भ में कार्रवाई कर रही है. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा डिस्ट्रेस है लेकिन किसानों के पीछे सरकार खड़ी है, सरकार पूरे तरीके से किसानों को मदद करने की कोशिश कर रही है.